दोस्तों आपने प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी गेम के बारे में न जाने कितनी बार सुना होगा या फिर हो सकता है आपने इसे मोबाइल में या फिर पीसी में खेला हो। अगर आप ये नया गेम खरीदना चाहते हैं यानी कि आप प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड खरीदना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या आपको ये गेम खरीदना चाहिए और आपको ये खरीदना चाहिए तो आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जब से पबजी गेम रिलीज हुआ है ये काफ़ी फेमस हो चुका है, यानी कि हर कोई इसे खेलना चाहता है। मैं क्या बात करते हैं कि क्या आपको ये गेम खरीदना चाहिए। मान लो आपके पास पीसी में आप इस गेम को खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको पीसी की रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी, यानी इस गेम को खेलने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कौन कौन सा ग्राफिक्स चाहिए, ये साइज चेक कर लीजिए कि आपका पीसी यूज इन जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उनको सपोर्ट करता है। अगर उन्हें आपका पीसी सपोर्ट नहीं करता तो आप ये गेम नहीं खरीद सकते। खरीद तो सकते हैं मगर आप इसे खेलने में उतना मजा नहीं आएगा। मान लो आपके पास i5 प्रोसेसर है, 8GB की रैम है तो आप इस गेम को आसानी से नहीं खेल सकते, क्योंकि इसमें आपको FPS बहुत कम मिलेंगे। मान लो आपके पास i5 का 8th जनरेशन प्रोसेसर है और साथ ही साथ आपके पास 8GB रैम और इंटेल का कोई मामूली सी इंटीग्रेटेड ग्राफिक या फिर अगर आपके पास डेडिकेटेड ग्राफिक है तो वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, यानी कि आपके पास लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये तक का ग्राफिक कार्ड है तो आपको ये गेम नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जैसे आप इस गेम को ऑन करेंगे तो आपको कई देर तो गेम लोड होने में लग जाएगी, साथ ही अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको FPS इसमें मिलेंगे 12-13 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 19 FPS, इससे ज़्यादा आपको इसमें FPS नहीं मिलेंगे। अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो आपको काफ़ी लेग होगा और साथ ही साथ जैसे ही आप सामने वाले को अटैक करते हैं, यानी कि जो दूसरे प्लेयर होते हैं उन पर आप अटैक करते हैं तो वो वहाँ से जा चुके होंगे और आप वहाँ पर गोली चला रहे होंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, उल्टा वो आपको किल कर देंगे। इसलिए आपको कम FPS का PC है तो आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए। हाँ, अगर आपका PC हाईर एंड ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, यानी कि आपके पास कोई बड़ा PC है तो आप इस गेम को खरीदना चाहिए। ये बहुत अच्छा गेम है, जैसे कि इसमें आप कई सारे ये आप सर्वाइवल गेम की तरह भी मान सकते हैं या फिर शूटिंग गेम भी, और साथ ही साथ इसमें आप गाड़ी भी चला सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और कई सारे काम इस गेम में कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा PC है, यानी कि उसमें लगभग 8GB रैम, i7 प्रोसेसर और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, यानी कि यहाँ पर 1080p पिक्सल आपको सपोर्ट करता है और साथ ही साथ अगर गेम में आपके 60 FPS आ सकते हैं या फिर लगभग 40 से 50 FPS तक आपका कंप्यूटर फ्रेम पर सेकेंड जनरेट कर सकता है तो आपको ये गेम खेलना चाहिए। अब बात करते हैं कि गेम को टेस्ट कैसे करेंगे या कि ये आपके PC में सपोर्ट करेगा या नहीं। मान लो आपके पास स्टीम अकाउंट है, उस स्टीम अकाउंट में आपका कोई तो फ्रेंड होगा, आप उस फ्रेंड से वो गेम फैमिली शेयरिंग में ऑन ले सकते हैं, यानी कि वो इंसान आपको वो गेम फैमिली शेयरिंग के जरिए दे देगा, जिससे आप उस गेम को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये गेम आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करेगा। तो अगर वो गेम आपके कंप्यूटर में सपोर्ट करता है तो आपको ये गेम ले लेना चाहिए, अच्छा गेम है। बात करते हैं इस गेम की साइज़ की। मान लो उसने आपके पास गेम शेयर कर दिया तो आप इसे चेक कैसे करेंगे कि ये कितने GB का है, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कितने डेटा खर्च करना होगा। तो मैं बता दूँ ये गेम आपको लगभग 14.5 GB के लगभग मिलेगा, कितने GB आप उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि ऑनलाइन गेम है इसलिए आपको इसमें डेटा भी खर्च करना होगा। ये पबजी, जो भी आपको पता चल चुका हो कि आपको पबजी गेम खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।